Hello everyone. Today we are going to discuss about the concept of angle of frictions. आज हम लोग पढ़ेंगे angle of frictions के बारे में, ठीक है? Angle of frictions. ये जो angle of frictions है, इसका क्या concept है? तो सबसे पहले तो आप ये recall कर लीजिए कि frictions जो है, so contact force का horizontal component होता है. You have studied it that a friction is the horizontal component of the contact forces. और वो कैसे मतलब पिक्चर में आता है, वो सारा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कर रखा है, जिसका लिंक भी आपको इसमें वीडियो में मेंशन होगा जो है सो आई बटन में. नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल. सपोज करिए कि आपका एक रफ सरफेस है, ठीक है? दिस इज अ रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस पे आपने एक ब्लॉक ए, कोई ब्लॉक है ए ब्लॉक सपोज करिए, ये इस सरफेस पे आपने यहाँ रख रखा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस सरफेस ऑन द ब्लॉक ए? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो रफ सरफेस है, ये ब्लॉक ए पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है? ठीक है, ये जो रफ सरफेस है, ये ब्लॉक ए पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, आप क्या बता सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बेसिक डिफिनेशन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बता रखी है. इसका भी लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा. तो सबसे पहली बात, कॉन्टैक्ट फोर्स की एक स्मॉल डिफिनेशन. कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? इट इज़ द फोर्सेज बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट which comes into the picture by the atomic or molecular interactions between the atoms or molecule existing at the surface of the two body. दो सतहों के पास जो atoms और molecules होते हैं, वो इतने नज़दीक होते हैं कि उनके बीच एक intermolecular forces exist करना start हो जाता है, और उसी forces का जो next resultant होता है वो contact force कहलाता है. तो चूंकि ये चीज़ें तो आपका कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं, और हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है, डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी में है, इसीलिए अभी मैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स के ओरिजिन को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब बताइए इस पे क्या कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा. ओके, तो सबसे पहली जो बात है इसमें कि इस पे फोर्सेस क्या क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं ये पता करिए. तो ये देखिए, इस पे एक फोर्सेस क्या है कि जो ग्राउंड सरफेसेस इसको अपने और नीचे की ओर एम जी फोर्स से नीचे की ओर खींच रहा होगा. अगर इसका मास एम है तो ये एम जी फोर्सेस से नीचे की ओर खींच रहा होगा. अब अगर एम जी फोर्सेस से नीचे की ओर खींच रहा होगा, तो नेचुरली ये जो ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस को क्या कर रहा होगा, दबा रहा होगा. ठीक है, मतलब इस फोर्स की वजह से दब रहा होगा. ये जो ऑब्जेक्ट है, वो इस फोर्स को, इस सरफेस को इसी फोर्स की वजह से दबा रहा होगा. तो मान लीजिए कि इस पे जो मतलब कॉन्टेक्ट जो प्रेस कर रहा होगा, वो मान लीजिए N1 है, N फोर्स है. तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, ये सरफेस भी इसको अपर जो अपवर्ड जो है वो उतना ही फोर्स से दबाएगा. तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N. ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ये इस पे क्या अप्लाई कर रहा है फोर्स, इसको यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मतलब जो फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं, वो फोर्सेस है जो इस ऑब्जेक्ट ए पे लग रहा होगा. ठीक है, बस वही पिक्चर में आएगा. तो दो ही फोर्सेस आपको अभी पिक्चर में दिख रहा है. अब क्या आप बता सकते हैं कि अभी फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे टुवार्ड्स राइट लग रहा होगा, टुवार्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा या नहीं, क्या आप कह सकते हैं इस चीज़ को? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, सो तभी पिक्चर में आएगा. याद रखिए, फ्रिक्शन फोर्स ओनली कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशंस और द एक्चुअल रिलेटिव मोशंस इज टेकिंग प्लेस. क्या यहाँ पे कोई मोशन की टेंडेंसी है? आप देखिए तो फोर्सेस दो ही पिक्चर में हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड और एम जी नीचे. तो यहाँ तो टेंडेंसी ऑफ ना तो मोशन एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं एक्चुअल रिलेटिव मोशंस एग्जिस्ट कर रहा है. तो फ्रिक्शन फोर्सेस अभी इस ब्लॉक पे, ऑल्दो द सरफेसेस आर रफ, नो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट टिल
द ब्लॉक एक्वायर्स द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, या नहीं तो टिल द ब्लॉक स्टार्टेड टू हैव अ रिलेटिव मोशंस, ठीक है। तो ये तो अभी संभव ही नहीं, क्योंकि कोई अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट कर नहीं रहा है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस केसेस में जो आपका कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, मान लीजिए कि हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द R एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है R, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो mg हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाइड बाई द सर्फेस ऑन द ब्लॉक ए वेन देर इज नो एनी अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब कोई फोर्सेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स आपका ये हुआ। मतलब सिंपली ये जो एन ऊपर की ओर देख रहे हैं, दिस इज द ओनली कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स बाई द सर्फेस, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए कि सिचुएशन सेम ही है, इस सिचुएशंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जो सिचुएशंस आप देख रहे हैं ये सिचुएशंस वही है, रफ सरफेस ही है, लेकिन अब अभी के डेट में आपने क्या किया, इस ब्लॉक पे एक फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने फोर्स एफ अप्लाई किया, तो अब ये डिपेंड करता है कि ये जो फोर्स एफ की वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, देन द ब्लॉक इज हैविंग अ रिलेटिव मोशंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, और अगर लिमिटिंग मोशन से कम, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स तब भी एग्जिस्ट करेगा जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो उस केसेस में जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ब्लॉक के पास एट मिनिमम टेंडेंसी ऑफ मोशन तो ज़रूर होगा, तो ब्लॉक के पास एक फ्रिक्शन फोर्स एफ आर जो है वो इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अब इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, ये दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज द रिजल्टेंट आर, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट आर, एंड दिस रिजल्टेंट आर इज द कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास एम एंड द सरफेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो अब लिखोगे आर इज इक्वल टू रूट अंडर रिजल्टेंट ऑफ दिस और दिस फोर्स, तो चूंकि परपेंडिकुलर एंगल बन रहा ही रहा, इसके इसके बीच का एंगल क्या 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें सिंपली आप लगाओगे क्या चीज, तो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एफ, ठीक है, अब ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, ये अगर सपोज करिए कि यहां से अप्लाइडेड फोर्स जो है एफ, और ये जो अप्लाइडेड फोर्स है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, तो म्यू एस इंटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर इस फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जो आपका इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू यहाँ से, तो एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, क्यों, क्योंकि अभी अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा, एक्चुअल रिलेटिव मोशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस, एक्चुअल रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस, मतलब ये ब्लॉक इस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जो एफ है, और वो लेस देन है म्यू एस इंटू एन, या लेसर इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है, तो उस केसेस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, एफ की वैल्यू, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो इसके बराबर हो जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आई होप। तो अगर मान लीजिए कि इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा होगा,
ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे म्यू इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कहने का मतलब है कि फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये ब्लॉक इज एट द स्टेज ऑफ वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब इम्पेंडिंग मोशन के स्टेट में है, मतलब जैसे ही फोर्स उससे ज़्यादा होगा ये ब्लॉक स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो उस केसेस में जान लो कि व्हेन द ब्लॉक इज इन इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन, इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन में कहने का मतलब क्या है कि वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब कि इस अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू जो है तो किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, मतलब ये जो है ना, ये जो केस है एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के बराबर है। तो उस केसेस में फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू एस इंटू यहाँ पे एन हो जाएगा। इसलिए जब आप लिखोगे कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या चीज़, म्यू एस इंटू एन पे स्क्वायर, और जो यहाँ पे एन पे स्क्वायर, तो ये एन अब बाहर आ जाएगा और वन प्लस यहाँ पे म्यू एस पे स्क्वायर, ये होगा इसका कॉन्टेक्ट फोर्स का वैल्यू। कब, व्हेन द ब्लॉक इज इन द इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज द अप्लाइडेड फोर्स हैज अ वैल्यू इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। ये आ गया, लेकिन अभी तो ये सब चीज़ें जो मैं कॉन्टेक्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हमारा जो कंसर्न है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या होता है, द एंगल मेड बाई द कॉन्टेक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो वट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल मेड बाई, मैं लिख लेता हूँ एक लाइन, एंगल मेड बाई द कॉन्टेक्ट फोर्स, एंगल मेड बाई द कॉन्टेक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस विथ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स भी जो है सो एक्चुअली में कॉन्टेक्ट फोर्स का क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे समझ जाइए। तो ये जो एंगल बनता है इनके बीच, दिस एंगल इज कॉल्ड कैचेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो अब बताओ कि ये एंगल जो है सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, तो कैसे निकालेंगे इस एंगल को, वेक्टर के कंसेप्ट को लगाइए आप, कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है यहाँ से क्या होगा, आप डालोगे इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, ठीक है। और ये जो आपका लेंथ होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स एफ हो जाएगा। तो जब आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे क्या चीज़ सॉरी यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे क्या टेन थीटा की वैल्यू आप जो निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू एफ आई यहाँ पे एन, देखो यहाँ से इसको देखो यहाँ से ये हो गया एफ, और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू एन यहाँ मेंशन है, इसको एक ट्राइंगल ले लो अगर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से देखो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है एफ बाई एन, एफ क्या है मतलब फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको पता है कि ऐसे वैरी करती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे वैरी करती है, जब अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है तो फ्रिक्शन जो है सो सेल्फ एडजस्ट होकर के अप्लाइडेड फोर्स के बराबर हो जाता है, और जैसे ही अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है तो जो आपका फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो है सो म्यू के इनटू एन के बराबर हो जाती है।
तो अभी जो मैं अगर इस इक्वेशंस में केस कंसीडर करता हूँ वो क्या है, व्हेन द ब्लॉक इज इन द इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ द मोशन, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू इस केसेस में क्या होगी, तो इस केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू एफ बराबर हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, ठीक है, और जब म्यू एस इंटू एन हो जाएगी तो ये एक्चुअली में क्या है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है ना, म्यू एस इंटू एन क्या है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एक्चुअली में क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू मैं अब इस इक्वेशन में डालता हूँ, तो अब क्या लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से म्यू एस इंटू एन बाई एन, एन से एन कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो ये जो इक्वेशन आपने डेवलप किया ये क्या है, ये है कि अगर आपका जो ये थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू, इफ़ थीटा की वैल्यू जो है ये क्या है, ये एक्चुअली में मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ जो ये है इसको आप थीटा एस भी कह सकते हो, यहाँ एस ले लो, ये दिस इज थीटा एस, ठीक है, तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर थीटा एस जो की जो वैल्यू है, मतलब ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू अगर थीटा एस से कम होगी तो क्या होगा कि बॉडी जो है सो स्टैटिक होगी, जहाँ है वहीं बनी हुई रहेगी जो है सो। तो ये था आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट। अब एक चीज़ इसमें और जान लीजिए कि जो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स है वो क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स की अगर आप बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक इस सरफेस पे, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये सरफेस अपवर्ड अप्लाई कर रहा है, और फोर्स किसी फोर्स के लगने की वजह से इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एफ यहाँ अप्लाई हो रहा है, और ये रहा इसका कॉन्टेक्ट फोर्स आर है। तो आर का जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर था, जब कोई भी अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक और कंपोनेंट जो है सो कॉन्टेक्ट फोर्स का पिक्चर में आता है, इसको आप बोलते हो फ्रिक्शन, ठीक है, और ये फ्रिक्शन की वजह से जो नेट कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है नेट कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू रूट अंडर यहाँ से एफ स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर। अब देखो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन पे मैक्सिमम होती है, तो अब आप सीधे यहाँ लिखा लो एफ एस लगा दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो गया, तो आर की जो वैल्यू है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसको सॉल्व कर लो तो एन इज लेसर इक्वल टू आर इज लेसर इक्वल टू कितना, एफ एस की वैल्यू कितना हो गई, तो म्यू एस इंटू एन स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर, मतलब जो कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू है वो एन से बड़ी होगी, यानी तो यहाँ से रूट अंडर वन प्लस म्यू एस पे स्क्वायर यहाँ पे एन। तो ये है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस रेंज में वेरी करेगा, ठीक है, ये म्यू एस क्यू पिक्चर में आया, क्योंकि आपने इसका मैक्सिमम वैल्यू लिया, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट मैक्सिमम कॉन्टेक्ट फोर्स, क्या है, मैक्सिमम कॉन्टेक्ट फोर्स है, और ये किस पर डिपेंड किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये रहा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।